नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने 1956 का ट्रैक्टर द मेड इन जर्मन फुल्ली ओरिजिनल ट्रैक्टर आज भी अपने पास रखा हुआ है। ये सुलेख जी ओनर हैं इस ट्रैक्टर के, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सुलेख सिंह जी। नमस्कार जी, थोड़ा हाँ पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ और फिर ट्रैक्टर के बारे में बताओ। ये हमारे पिताजी हैं सुलेख सिंह। हाँ जी। और ये भाई हैं साहब सिंह। हाँ जी। मेरा नाम है विता अशोक। विता अशोक जी। हाँ जी। जिले मुजफ्फरनगर जिले, जिला गाजर, तो अब शामली हो गया। और अपने बाबा जी का नाम क्या है जो ट्रैक्टर लेके आए थे? मैंने उनको सदाराम। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा जी थे सदाराम जो इस ट्रैक्टर को लेके आए थे 1956 में। अच्छा अच्छा, 1956 में लेके आए। 56 में जर्मन से लेके। अच्छा अच्छा, जर्मन से। ठीक 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 ठीक। और ट्रैक्टर के बारे में बताओ, जैसे आपने इतने दिन पुराना ट्रैक्टर रखा, अपना एड्रेस क्या है जी? गांव कौन सा है अपना? गांव खानपुर। हाँ हाँ। जिला? जिला शामली। अच्छा, शामली के अंदर खानपुर गांव में। और जैसे अपना ये ट्रैक्टर आप लेकर आए थे उस टाइम 56 का मॉडल है और आज तक आपने रखा हुआ, आज भी घर में खड़ा है ये गाँव में। तो हाँ हाँ, दुनिया को ठोके देखो उस टाइम पर एकदम एक अजीब सा, मतलब अलग सा होया करता ट्रैक्टर, क्योंकि लोगों ने मशीनरी होती नहीं थी उस टाइम पर, बहुत कम मशीनरी होती थी। और ट्रैक्टर की जैसे कि यादें क्या क्या है जी, जैसे आपके जो पिताजी लेके आए थे, इसने ऐसा क्या खासियत है इस ट्रैक्टर के अंदर जो आप इसने रखे हुए आज तक भी? पैदा बहुत कम बिगड़ा थी, 300 का कारगर था हमारा बाबा। ठीक है ठीक है जी। जिस दिन तो ही आया, एक दो साल के भीतर भीतर सारा कुछ बना के गए थे सारा। अच्छा, ये सारे जो मकान वो पीछे जितने पुराने मकान? ठीक ठीक है, तीन चार मकान जो लगा था यही जो भेड़ है नी। हाँ हाँ। फिर पड़ा करने सर लगा इसी की देर पे। अच्छा 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 अच्छा। 12 साल हो चला है। मतलब इस ट्रैक्टर ने इतना कमाया जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सारे रिश्तेदार। ठीक ठीक ठीक। काम में मिलने वालों की सब 12 हुई। युवा हो रहे थे पहले, बोर्डिंग हो रहे ना 12 लोग। हाँ 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 हाँ। तो उसका उसकी भी जो है करते। हाँ हाँ। ठीक 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 ठीक। मैं 6 साल का सीख के था इसे। अच्छा, आपने यहाँ खड़ा रहकर चलाया तो सर। 6 साल तो उम्र कुछ भी नहीं होती। 6 साल है ही नहीं। ठीक ठीक। 6 साल के सीखे हुए, मैं इनका चेल था। घटना बताओ जो आपने याद आती हो बार बार, जो आपने याद रहती हो भाई, जैसे ट्रैक्टर का जहाँ भी जिक्र चलता हो भाई, ट्रैक्टर की याद आती है, ऐसी कोई चीज हो याद हो आपको, ध्यान हो? ऐसी चीज तो एक तो ये है जी, जैसे ऐसा हो कई जगह ट्रैक्टर, जैसे आप कहीं लेके जा रहे हो, आपने जैसे किसी जगह पर कुछ फंस रहा हो या कुछ निकाला हो, ऐसा कुछ कोई ऐसी कोई स्टोरी हो? जैसे एक तो ये तो है भाई, जैसे उस टाइम पर आप जहाँ भी जाते थे लोग आपसे पूछते थे भाई ये क्या चीज़ है, अरे कहाँ से लाए, कैसा है? ये जो गाँव के ड्राइवर थे ट्रकों के। हाँ हाँ। गाँव में लेके आ रही सड़क, छोटी छोटी सड़क। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं भी दस जाते आगे। अच्छा, अच्छा अच्छा, सबके शादी हम बरात ले गए थे। हाँ हाँ। जो बीमार हो गए काम में सब कुछ लेके जाकर, पहले किसी का जाकर होता अटक जाता कहीं हुई फिर उसकी हुई। ये तो गांव की सरकारी बस थी, मतलब बहुत रखी। अच्छा, मतलब बहुत घर बसा रखी शादी इस ट्रैक्टर में। नहीं, आपने ट्रैक्टर भी वाक्य में यूनिक है एकदम अलग। यो मैं ही जुताई कर रहा था। हाँ हाँ। यू इतना था नहीं। अच्छा अच्छा। के पीछे खेत में कूने में उल्टा डालना पड़े ना। अति आया होगा यू टेलर लग के गिर पड़ा, कुल निकलवा मिलता मुझे। अच्छा अच्छा। किस्मत थी जी, जो एक्सीडेंट ना हो ज़्यादा। ठीक 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 ठीक। नहीं नहीं, वैसे सही चीज़ आपने बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास रखी हुई है चीज़ आपने संभाल के। इतना यूनिक ट्रैक्टर मैंने पहली बार देखा है, वो पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर। ये 5 भाई थे, एक को छोड़कर सारे चलाने लगे। अच्छा, क्यों एक ने क्या ऐसा क्या था, एक क्यों नहीं चला रहा था? अच्छा अच्छा, वो बड़ा था हम चला। ठीक ठीक ठीक। वो जा कुछ आदमी ये सोचता है मैं नहीं चलाता भाई, मैं भड़क नहीं लेता। उस टाइम पे देखो मशीनरी से लोग देखा करते अजूबा माना भाई, कैसी अजीब चीज आई है एकदम।
मशीनरी ने। फिर हम चला रहे हैं, कहाँ चला फिर, पेपर टर्निंग भी हम। हाँ फिर तो वो तो है जी, कर आपने भी वो माँ था नई नई चीज़ चलाने का, और उस टाइम पर तो जैसे बता रहे हो बरात बरूँ तो मैं हर जगह आपने रख कितने ट्रैक्टर ले लिया आपने लगभग, अपने पास कितने होंगे लगभग? तो 5-6। अच्छा 5-6 ट्रैक्टर अपने पास है फिलहाल में। ठीक ठीक, चलो जी थैंक यू जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसका जो टीलर है वो भी दिखाएं एक बार, एक बार ट्रैक्टर दिखाएं भाई। ये ट्रैक्टर है ओरिजिनल फुल्ली बिल्कुल, सामान देख लो। ये तो है जी ये अलग ट्रैक्टर, इन ये तो आज के दो घर पे फोन करते 2 घंटे में घर छोड़ जाएंगे। यह चीज कोई दिखाए तो ढूंढ के दिखा दो। वो जो टीलर रखे वो जो ट्रैक्टर है उस पर ट्रक करना था, उस महिंद्रा पे। हाँ महिंद्रा इसमें ट्रक की उसने रखा उसमें मिलिट्री गाड़ी का। अच्छा 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 अच्छा, एक छोटा काट पीट का और छोटा बना रखा जो ट्रक भी धीमे चल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो उसने भी देखे उसने, और इसका टीलर दिखाओ एक बार, इसका जो टीलर है वो दिखाओ जो कि 1956 इसके साथ में आया था वो टीलर। ये ट्रैक्टर है उस टाइम पे एक टीलर था इसके साथ में जो आया हुआ, आज भी वो इनके पास रखा हुआ है। ये टीलर था भाई 9 टाइन का, ये वाला टीलर था बोल, काफ़ी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास डिजाइनिंग डिजाइनिंग। वो ट्रैक्टर कितना अपना 26 HP का ना ये अपना, 26 HP का ट्रैक्टर भाई ये टीलर था भाई, बिल्कुल शुरू दिन से ही। 1956 का मॉडल है ये भी, वो लपकट रखे उसकी वजह से नहीं उठेगा। अच्छा मेड इन जर्मनी, साथ में ही आया था ये आपने। टोटल कितने का खरीदा था आपने ट्रैक्टर, ध्यान होता आपका जैसे? 10,800 का टीलर और ट्रैक्टर दोनों चीज़ें। ठीक ठीक ठीक, चलो जी थैंक यू जी, काफ़ी अच्छा लगा आपने, काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ अपने पास रखी हुई संभाल के।